मध्य प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मारपीट होते होते बची, गनमैन की हुई पिटाई। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों की पांचवी सूची जारी कर दी है। पांचवी सूची जारी होने के बाद भाजपा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जबलपुर में तो बीजेपी कार्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा के कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश भाजपा के चुनावी प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ झूमा झटकी कर दी। इस दौरान विरोध कर रहे लोगों ने भूपेंद्र यादव के गनर के साथ भी मारपीट करते हुए पिस्टल छीनने की कोशिश की। भाजपा चुनाव की पांचवी सूची जारी होते ही जबलपुर में हंगामा मच गया। जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट पर अभिलाष पांडे को टिकट दिए जाने और शरद जैन को टिकट नहीं दिए जाने से विरोध में सैकड़ों बीजेपी प्रत्याशी जमा हो गए। जिस वक्त ये सारा हंगामा हुआ, भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे, जिन्होंने विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। इस दौरान भूपेंद्र यादव के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं में झूमा झटकी की है और उनके गनर के साथ मारपीट भी की है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में आया है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनकानी भाजपा में टिकट ऐलान की मचे घमासान को लेकर भाजपा पर एक चुटकी ली है। उन्होंने भाजपा कार्यालय में चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ झूमा झटकी का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि जबलपुर में टिकट बंटवारे से भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। यहां भी बता दें कि बीजेपी दफ्तर में प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।